चलिए अभी हम लोग जाएंगे एलपीपी, तो एलपीपी के सवाल को देखेंगे। देखिए एलपीपी का सवाल बहुत ही मार्केबल होता है, हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए एक सवाल को लेते हैं। ऐसे तो हमारा क्लास समाप्त हो चुका है सर, ठीक है, एक क्लास को लेते हैं और बस एक सवाल में ही पूरा बात को समझने का कष्ट करेंगे हम लोग। तो एक सवाल है, बहुत सुंदर है, आपको मैक्सिमाइज दिखाना है। तो लिखते हैं हम लोग कि गिवन जो आपको दिया हुआ है जेड बराबर 4x प्लस y, दिखाना क्या है इसको, मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज आपको दिखाना है। फिर कंस्ट्रेंट्स जो डाला हुआ है वो कंस्ट्रेंट्स है, आपको कंस्ट्रेंट्स दिया हुआ है x प्लस y लेस देन इक्वल टू 50, एक दिया हुआ है आपको 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 90, और फिर दिया हुआ है आपको x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस ये इसी तरह का सवाल बस पूछा जाता है आपको एग्जाम में, सेम आपको इस पर फोकस करना है बहुत ही बारीकी से। हम बहुत ही सॉल्व मेथड और सबसे अच्छा मेथड आपको बताएंगे। ये आप x एक्सिस ले लो, ये आप y एक्सिस ले लो, आपका काम क्या है, आप ये बात पर ध्यान रखो कि आपको क्या निकालना है, मैक्सिमाइज। यहाँ देखो, यहाँ मैक्सिमाइज लिखा हुआ है, इस पर हमेशा फोकस करेंगे। अब करना क्या है, ये जो कंस्ट्रेंट्स है इस, ये दिया रहता है इनइक्वालिटीज में, है ना, इनइक्वालिटीज में, ये इनइक्वालिटीज में आपको इक्वालिटी में बदलना है। तो सबसे पहला कंस्ट्रेंट्स को लिख लेते हैं, लेट एक्स प्लस वाई, अब इनइक्वालिटीज को इक्वालिटी में मान लेना है, इक्वल टू 50। अब इसका फर्स्ट मेथड क्या है, एक आप पढ़े होंगे इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल लीजिए, ग्राफ बनाना इजी हो जाएगा आपका, x by 50 plus y by 50 बराबर में 1। अगर ये आ जाता है तो आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ये हमारा जो ग्राफ पर है, x by 50 का मतलब हुआ x में कहीं पे 50 होगा, y में कहीं पे 50 होगा, और इसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, और इसका नाम लिखेंगे क्या है, x प्लस y बराबर बराबर 50। दूसरा कंस्ट्रेंट जो डाला हुआ है आपका कि 3x प्लस में y बराबर में 90, इसको क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा चेंज कर देंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में, x y क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे है, 90 यहाँ होगा, तो 3 से कटेगा 30 बार में, फिर यहाँ y by 90 बराबर में 1। ऐसा जब हो गया तो तुरंत फिर हम लाइन को ड्रा कर सकते हैं, x में कहीं पे 30 आएगा, 30 तो 50 से कम होगा, 50 से कम होगा तो कहीं पे हम लोग यहाँ 30 लिख लें, उसके बाद y में होगा 90, y कहाँ है, 50 से ऊपर होगा, तो कहीं मान लेते हैं कि 90, कोई जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट ग्राफ पर हम लोग बनाए, 90 इसको मान लिए। अब फिर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर लिए, और इसका नाम एक बार लिख लेते हैं, ये है हमारा 3x प्लस y, 3x प्लस में y बराबर में 90। आपको अब करना क्या है, बारीकी से बस एक ये चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन किधर बैठा है, या तो ऊपर या तो नीचे। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं, ये जो ओरिजिन का वैल्यू होता है 0 0 डाला जाता है इस लाइन के इनइक्वालिटीज पर, चलिए डालते हैं, ये लाइन है हमारा 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 90, यहाँ पर जब हम ओरिजिन का वैल्यू 0 0 डालेंगे, देखते क्या होता है, x का मान 0 तो 0, y का मान 0 तो 0, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हुआ, 0 90 से छोटा है, हाँ कि नहीं, हाँ अगर है आपका ये फुलफिल होता है स्टेटमेंट, तो इसका मतलब है सॉल्यूशन नीचे की ओर है, इसका मतलब यही है सॉल्यूशन नीचे की ओर है। फिर तुरंत क्या करेंगे हम, दूसरा लाइन का पता करेंगे कि उसका सॉल्यूशन किधर है, दूसरा लाइन का जो इक्वेशन था यहाँ पे था x प्लस y लेस देन इक्वल टू 50, चलिए 0 ओरिजिन का वैल्यू डालते हैं, 0 0 जोड़ेंगे तो 50 से वो क्या है, कम है, 50 से कम है, जब 50 से वो कम है इसका मतलब वो सही बात है, इसका मतलब इसका भी सॉल्यूशन कहाँ है, नीचे की ओर है, इस लाइन का भी सॉल्यूशन नीचे की ओर। लेकिन होता क्या है, आपका एलपीपी में कॉमन रीजन क्षेत्र को चुना जाता है, मतलब ऐसा सॉल्यूशन का क्षेत्र जहां कॉमन हो सबका आंसर हो। अब सबका आंसर तो पता नहीं चला है, अभी हमको दो ही पता चला है, एक ये लाइन का और एक ये लाइन का, अभी दो ठो बचा था आपका, दो ठो जो बचा था ये बहुत ही बेसिक है। बेसिक क्या है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन इधर ही होता है, पहले से पता है कि नहीं नीतीश,
पहले से पता है इधर होता है, और फिर y ग्रेटर देन 0 का क्या होता है ऊपर होता है, ये पहले से पता है। तो अब पता क्या चल गया कि टोटल का सॉल्यूशन अर्थात कॉमन रीजन सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे बैठा हुआ है। एक हमको फिजिबल कॉर्नर ऑफ फिजिबल पॉइंट पता करना होता है, ये है हमारा कॉर्नर ऑफ फिजिबल पॉइंट, ये है ये है ये है, हमको ये सब निकला हुआ है और बस हमको क्या चाहिए इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसको हम लोग बड़ा ही प्यार से क्या लिख सकते हैं, चूंकि ये x इसका क्या होगा 0, y है कितना 50, इसको लिख सकते हैं 0, 50, और इसको क्या लिख सकते हैं 30, 0, ठीक है। इसको निकालिए, इसका निकालने का शॉर्टकट ट्रिक क्या है, बस एक मिनट में देखिए, यहां तक पहले उतारिए।